सिंह ठाकुर के द्वारा बोरीवली पूर्व कांटा रोड नंबर 8 पर संत शिरोमणि बजरंग दास बापा की फोटो की स्थापना किया गया। आपको बता दूं, शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमेशा कई कार्यों से जुड़े रहते हैं, समाज के हित में सोचना, सामाजिक कार्य करना और साथ ही बातचीत में क्या कुछ कहना था कांग्रेस पार्टी को लेकर, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, मैं जो ये कार्यक्रम मैंने रखा है, हम बापा सीताराम बोलते हैं जो पगदाना हमारे भावनगर गुजरात से हैं, इनमें मेरा बहुत ही अटूट विश्वास है और बहुत ही मैं सबसे बहुत कोई कार्य करने के पहले, कोई अच्छा काम करने के पहले या मेरे पे कोई दुख संकट में बापा में मेरा बहुत विश्वास है। बापा को बहुत मैं तहे दिल से बहुत चाहता हूँ और मेरे सब कुछ समझ लीजिए, मेरे वेल विशर, मेरे गॉड फादर सब बापा है। कोई मेरे नया कार्य करना है तो मैं उनसे पूछ के रहूँ। तो जब भी मैं ये भावनगर की तरफ जब भी जाता हूँ मैं, तो वहाँ ये मड़ोली बोलते हैं जिसको, वो घर के बाहर बनाते हैं, बापा की तस्वीर रखते हैं, बापा को पूजा करते हैं वो लोग। तो मुझे ऐसा हमेशा मन में आता था कि ये हमारे ये प्रीमाइसिस में ये चीज़ हो, और वही दीवार मुझे हमेशा मेरे हमेशा मेरे समझिए दिमाग में, ख्वाब में मेरे वो चलता था। तो आज मुझे ईश्वर ने वो मौका दिया और वो मेरा जो सपना था वो सत्य हो गया और मैंने यहाँ आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा, जो हम लोग प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, उनकी फोटो लगा के, और ऐसा भी है कि इनकी मूर्ति में नहीं है बापा का, ऐसा जब बापा बोल के गए कि मैं मूर्तियों में नहीं आऊँगा, मैं फोटो में आऊँगा कभी भी आऊँगा, तो उनकी फोटो की प्राण प्रतिष्ठा की गई है इधर, और लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास है, बड़े बुजुर्ग में, लड़कों में, बच्चों में, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। तो ये मेरे एक दिलो दिमाग में हमेशा से चलता आता था जिस चीज़ की मैंने आज स्थापना की है। तो समझ लीजिए हर वर्ग के लोग थे, मैं आपको बोल सकता हूँ, हिंदू ही नहीं, मुसलमानों ने भी मुझे सपोर्ट किया, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के सब लोगों ने काम किया है और इसमें सबका हाथ है, सिर्फ मैं मुझसे ये काम हुआ है ऐसा भी कुछ नहीं है। लोगों को बहुत विश्वास है बापा में, उनको मानने वाले लोग यहाँ हैं, मौजूद हैं लोग, आप देख रहे हैं जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सब ब्लेसिंग्स ले रहे हैं बापा की। इसमें मैं यही चीज़ बोलूँगी, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है और ये हिंदुत्व जो हम बोलते हैं, हमारे एकदम गॉड फादर हैं वो, इतने अच्छे से हम लोगों ने ये कार्यक्रम को संपन्न भी किया। मगर जो हमारा ये वार्ड लगता है, वार्ड नंबर 13, आज कॉरपोरेशन को क्या एकाएक दिक्कत आ गई, शाम में उन्होंने हमको नोटिस भेजा, नोटिस में हमको 24 अगस्त का नोटिस दे रहे हैं, बोलते हमको ये तोड़ना है। क्या हिंदुत्व, यही हिंदुत्व है हमारा। आज एक अच्छा काम हुआ है, लोग वहाँ आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, हमारे प्रीमाइसिस की वॉल पे काम हुआ है, हमने सिर्फ वॉल को पेंट किया और एक हमारी फोटो लगाई वहाँ, फ्रेम लगाया जो, आज उसकी हमारे साथ इतनी दिक्कत आ रही है, BMC के ऑफिसर आ रहे हैं 13 नंबर वार्ड के, हर दिन आ रहे हैं, 2 दिन से हमें धमकाया काम बंद कर दीजिए, आज तो हमको नोटिस भी कर दिया कि काम बंद कर दीजिए नहीं तो हम लोग आके यहाँ डेमोलिशन करेंगे, ये करेंगे। तो क्या हम हमारे देश में आज हम सेफ हैं? तो मैं हमेशा सोशल वर्क में, मतलब मेरी हॉबी रही है सोशल वर्क, मैं आए दिन कैंपेनिंग लेता रहता हूँ। अभी मैंने फुल बॉडी चेकअप कैंपेन लिया था थोड़े दिन पहले, उसके थोड़े दिन कुछ दिनों पहले मैंने कुछ भोजन का आयोजन करवाया था गरीबों के लिए। तो अब आगे हम लोग का ये चल रहा है कि फ्री चश्मा वाटअप जो बोलते हैं, हमको चश्मे फ्री में देने हैं लोगों, तो आए दिन मैं सोशल वर्क करते रहता हूँ। मगर आप सोचिए, यार सोशल वर्क इतना करने के बाद लोगों को इतने, जब मुझे से आदमी को परेशान कर सकते हैं तो आम आदमी कहाँ जाएगा हमारे भारतवर्ष में? हाँ, आम आदमी कहाँ जाएगा, उसकी क्या, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे, किस धरने पे खड़ा है? एक भगवान का काम करने में आप, ये नहीं है कि कोई आप मजमा लगा रहे हैं, कोई ऑर्केस्ट्रा लगा रहे हैं या जगह को कवर कर रहे हैं। आम आदमी आज कहाँ सेफ है हमारे यहाँ, जब मुझे से आदमी को इतना सोशल वर्क करने के बाद भी परेशान किया जा रहा है, आए दिन नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, आए दिन मुझे परेशानी झेलना पड़ता है, मुझे घंटों प्रशासन में जाओ, वहां BMC में जाओ, लाइन लगाओ, ऑफिसर हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, इसकी क्या वजह है? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, बस मेरा यही बोलना है आपसे, खास करके आपसे बोलो, अगर किसी का घर, गरीब का घर बनता हो तो उसमें क्या कोई परेशानी है किसी को? एक 200 फीट में अगर गरीब रह रहा है और हमारी सरकार आने के बाद कहती है कि हम 500 फीट उसे दे देंगे, तो उसमें क्या गलत है आप बताइए? एक 200 फीट में उसी में आदमी रह रहा है, उसी में आदमी किचन भी है, उसी में उसका बाथरूम है, उसका टॉयलेट है, अगर उसकी जो मेन आदमी को आज क्या चाहिए जिंदगी में, घर चाहिए और अच्छा घर चाहिए। और अगर हमारी सरकार आने के बाद अगर ये वायदे करती है कि हम उनको एक बड़ा घर देते हैं, आदमी को एक घरौंदा देते हैं, जो आदमी
बॉम्बे में आता है आदमी यही सोच के, हर आदमी बॉम्बे आने के मेरा एक घर हो जाए, अगर वो घर देने का सरकार हमारी वायदा करती है तो क्या कुछ खराब करती है? किसी को हक नहीं अच्छे घर में रहने का। लेकिन जब चुनाव आता है तो मुझे 100% भरोसा है। 3 राज्यों में हमारी सरकार आई, किसान के कर्जे माफ किए गए, आप भी देख सकते हैं जो हमारे वायदे थे वो आने के, जो वायदों की डेट थी, टाइम था, उसके पहले वायदे पूरे कर दिए गए। तो इससे तो ये विश्वास होना चाहिए जनता में कि कल राहुल गांधी जी ने हमारे जो वायदे किए हैं, हमारे प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट ने जो वादे किए वो पूरे करेंगे। वो जब 3 राज्यों में किए तो मुंबई में